के लिए ऑडियंस तब से आपका इंतजार कर रही है, साथ ही साथ यहाँ पर भी ऑडियंस है, थोड़ा इंटरव्यू भी सर थोड़ा हाथ हो जाए सर जी, ये आपके लिए है। यस योजना मत चलिए आपकी तरफ से प्रताप फाउंडेशन की तरफ से भोजपुरी सुपरस्टार लॉलीपॉप फिल्म आप सब यहाँ जितना भी हमारे भाई भैया माता बहन आप लोग खड़ा पानी जा सबके पवनों में पैर छू के प्रणाम करता है वो ताली बजा के आशीर्वाद देता है। यही मीना रोड में हमारे फिल्म के शूटिंग चलत रहा था जो फिल्म के नाम है शेर सिंह। तो शेर सिंह के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर हमारे छोटे भाई शशांक जी जी यहाँ है, यहाँ आइए 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 सर, ये रियल शेर और बड़े भैया हमारे दीपक जी विक्रम भैया विक्रम सिंह जी, इनको कलाकार से बहुत लगाव बहुत मानते हैं और हमारे बड़े भैया पिंटू सिंह जी मुझे बहुत मानते हैं। फिल्म के शूटिंग चलत रहा था, भाई लोगों के आदेश फैला कि भैया ईजा आपके पांच मिनट खाती चले गए वहां, हम कहनी है कि भाई का बात कैसे डाल सकता है, जरूर आएंगे अपने भाइयों के बीच में, आप लोगों के बीच में आके खड़ा होके कि मौका मिला ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। जय हो भोजपुरी समाज। हम गाना गा रहे थे यहाँ आई नहीं थी लेकिन गुनगुनाऊंगा जरूर के हो के ईमान और मीडिया से हमारे जितने भी भाई यहाँ पे आते हैं आप सबको मेरा प्रणाम। हर के हो के ईमान रही नहीं अपना बस में असुर हो सिंहान सजा सुरहे परस के जादू अदा के महता तो चलने बड़े भगवान बड़ी फुर्सत से आप सबके बना नमस्ते प्रणाम मिलेंगे। बिल्कुल निश्चित तौर पे आज हमने अपना हमारे देश ने एक हीरा खोया है, अरुण जेटली जी का योगदान इस पूरे भारत में बहुत बड़ा रहा है, चाहे वो वित्त मंत्री के रूप में या जब टेलीकॉम मिनिस्टर थे या जब कानून मंत्री थे अटल जी के कार्यकाल में, उनका बहुत बड़ा इस देश में योगदान रहा है। आज उनको हम लोग पूरे प्रताप फाउंडेशन परिवार हमारा जो है पूरा हमारा मीरा भाईंदर शहर परन पूरा हमारा देश जो है आज उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करता है। उसी के बीच में आज गोविंदा का जो हमारा ये त्यौहार फेस्टिवल है कहीं ना कहीं खुशी और गम दोनों के साथ हम लोग मना रहे हैं और हमारा पूरा देश हमारा पूरा गोविंदा पथक हमारा पूरा प्रताप फाउंडेशन और ये हमारा मीरा भाईंदर शहर उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए अपने इस धार्मिक त्यौहार को इस कल्चरल त्यौहार को मना रहा है आज। दही हांडी का प्रोग्राम जो है जहाँ पर गोविंदा आके मटकी फोड़ते हैं लेकिन इस मंच से आप जिस तरह से हर किसी का स्वागत करते हैं यहाँ पर कंटिन्यू जो एक भीड़ देखने को मिलती है जो लोगों की प्यार देखने को मिलता है आपके प्रति किस प्रकार आप ये सब कर पाते हैं? ये सौभाग्य है मैम जो है हम सबका प्रताप फाउंडेशन परिवार का स्पेशली मेरा कि हमें लोग यहाँ के पूरा मीरा भाईंदर शहर के रहवासी यहाँ के समाजसेवी राजनीतिक हस्तियाँ बहुत प्यार करते हैं, इस संस्था को प्यार करते हैं, कहीं ना कहीं लोग आते हैं और हम भी उनको उस मौका को गंवाना नहीं चाहते हैं कि गोविंदा का टोलियों का तांता लगा हुआ है। 100 से ज़्यादा टोलियाँ अभी आ चुकी है और अभी भी 2 से 2.5 घंटा समय बाकी है, कहीं ना कहीं 150-200 टोलियाँ हो जाएंगी, उनका स्वागत उनका सलामी
कर्मी, उनका प्रदर्शन, उनका वेलकम के साथ साथ कहीं ना कहीं हम उन समाज सेवियों का, उन अपने अतिथियों का भी स्वागत करते हैं। दोनों चीज मिक्स करके हम लोग करते हैं और बहुत ही अच्छा हर्षोल्लास का माहौल रहता है। तो जो गोविंदा है उनके लिए क्या कुछ यहाँ से रखा गया है, प्राइस क्या होगा? देखिए, आज के प्राइज में एक कारण ये है कि हमने जो हमारा जो इनामी राशि, मुख्य इनामी राशि रखे है, उसका आधा राशि हम जो है बाढ़ पीड़ितों को दे रहे हैं जो कोल्हापुर और सांगली सतारा में है, और आधी राशि हम जो है इनाम के तौर पे देंगे। बाकी जो इनाम हम दे रहे उसके साथ साथ हमारा एक स्टॉल लगा हुआ है जो कि बाढ़ पीड़ितों के लिए लगा हुआ है, उसमें लोग जो है अपना डोनेशन कर रहे हैं और हमारे पक्ष प्रमुख उद्धव जी के यहाँ वो जाके राशि हमारा फाउंडेशन जमा करेगा, उनके माध्यम से कोल्हापुर में जाएगा वो राशि जो है। आपकी ट्रॉफी जो हम देख रहे हैं वो काफी प्यारी सी लग रही है, ट्रॉफी किस तरह से, क्या माइंड में रखा था कि हाँ मैं इस तरह की ट्रॉफी देनी चाहिए? देखिए, कृष्णा जी तो इतने प्यारे थे तो उनकी ट्रॉफी भी जो है बहुत प्यारी बनानी पड़ती है, तो निश्चित तौर पे वो सब ध्यान में रखे। और कहीं ना कहीं मैं बार बार ये बोलता हूँ कि हमारा जो कल्चरल ये प्रोग्राम है, हमारा यंग क्राउड इसमें पार्टिसिपेट करता है, उसको हमको आकर्षित करना रहता है कि वो जो वेस्टर्न कल्चर की तरफ जाते 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 फिर से हमारी संस्कृति की तरफ घूमा है, तो घूमे तो कहीं ना कहीं पूरे मजबूती से वो घूम के हमारे संस्कृति को आगे बढ़ावे, भारत हमारा विश्व गुरु बने, ऐसी परिकल्पना हमारे फाउंडेशन का है। दर्शकों का प्यार हमेशा ही विक्रम जी के साथ देखने को मिलता है कोई भी कार्यक्रम, तो विधानसभा चुनाव में दर्शक कितने आपके साथ होंगे? देखिए, राजनीति और ये हमारा मंच, ये दोनों अलग है। निश्चित तौर पे मैं एक सामाजिक व्यक्ति हूँ, उसके साथ साथ मैं एक राजनीतिक व्यक्ति भी हूँ, लेकिन जब मैं सामाजिक काम करता हूँ तो मैं भूल जाता हूँ कि मैं पॉलिटिशियन भी हूँ। मैं पॉलिटिक्स जरूर करता हूँ लेकिन उसका एक मर्यादा है, लेकिन समाज सेवा का, हमारे फाउंडेशन का कोई मर्यादा नहीं है। इसको स्काई ऑफ द लिमिट जो है हम बहुत दूर तक इसको लेके जाएंगे, हमारे जीवन में बहुत दूर तक हम काम करना चाहते हैं समाज में, महाराष्ट्र की धरती पे और पूरे उत्तर भारत की धरती पे हमारे भारत माता का सेवा करना हम सब चाहते हैं और कर रहे हैं हम लोग जो है जितना हमसे हो सक रहा है।